दोस्तों, अगर आपको 20 से 21,000 के अंदर एक अच्छा खासा 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग कंसीडर कर सकते हो ओप्पो F23 5G को, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं सारा फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस आप लोगों के सामने रखूंगा, तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि इस फोन को मैं कह रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का डेट में आज कोई भी ऑफर यहाँ पे एक्टिव नहीं है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट का साइट पे आप लोग देख पा रहे हो, आज का डेट में यहाँ पे जितना भी प्राइस आज कोई कुछ भी यहाँ पे ऑफर नहीं है, तो आप लोग अराउंड 23,000 के आसपास आप लोगों को प्राइस दिख जाएगा। तो अगर आप 20 से 21,000 में आप लोग खरीद पाओ इसको किसी भी ऑफर में, तो आप लोगों के लिए अच्छा खासा डील आप लोगों के लिए साबित होगा। तो चलिए बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 21,000 का प्राइस है और यहाँ पे रैम एंड स्पेस वाइज एक ही वैरायटी आप लोगों को मिल जाएगा, 8GB एंड 256GB। तो इनसाइड द बॉक्स आप लोगों को एक ही चीज़ में बहुत सारा चीज़ मिलेगा एक्चुअली। एडाप्टर मिल जाएगा, एक केबिल मिल जाएगा, केस मिलेगा और सिम कार्ड इजेक्शन टूल भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे इसको, आप देखोगे तो बहुत सारा बहुत ही सुंदर आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। आप देखोगे बहुत सारा यहाँ पे सुंदर सा फिनिश है, कैमरा नॉच यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। कैमरा तो बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ पे। अगर फ्रंट को देखोगे तो सामने की तरफ आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए बहुत कोने तक यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले नजर आ जाएगा। तो पीछे की तरफ आप लोगों को ठीक ठाक नजर आएगा, आपको फील भी अच्छा होगा और फ्रंट की तरफ आप लोगों को फिनिश भी बहुत, साइड वाला तो फ्लैट है यहाँ पे आप लोग देख पाओगे और कैमरा नॉच भी बहुत सुंदर आप लोगों को यहाँ पे दिखता है। तो चलिए यहाँ पे पोर्ट्स एंड बटन की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बटन्स की बात करते हैं, आप लोगों को नीचे की तरफ आप लोगों को स्पीकर ग्रिड मिलेगा, USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा, माइक्रोफोन यहाँ पे माइक्रोफोन भी मिलता है और उसके साथ आप लोगों को 3.5mm ऑडियो जैक पोर्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को मिल जाएगा वॉल्यूम की एंड उसके साथ साथ आप लोगों को सिम कार्ड ट्रे आप लोगों को स्पॉट आप लोगों को मिल जाता है। टॉप की तरफ आप लोगों को नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन आप लोगों को मिलता है, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन मिलता है और डाइना साइड में आप लोगों को पावर बटन एंड फिंगरप्रिंट सेंसर आप लोगों को मिल जाएगा। जो पावर बटन है वही आप लोगों के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर आप लोगों के लिए काम करता है। तो ये था चारों तरफ। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत डायमेंशन के बारे में बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए थिकनेस आप लोगों को बहुत ही पतला आप लोगों को फील होगा, क्योंकि 0.82 सेंटीमीटर यहाँ पे आप लोगों को थिकनेस आप लोगों को फील होगा। उसके बाद अगर वजन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को वजन आप लोगों को मिल जाएगा ओनली 192 ग्राम। सो ठीक ठाक इस प्राइस रेंज में आप लोगों को ठीक ठाक बैलेंस वेट आप लोगों को मिलता है। तो स्टोरेज की बात कर लेते तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ही स्टोरेज आप लोगों को मिलता है, 8GB 256GB LPDDR4X रैम मिलता है और उसके साथ आप लोगों को UFS 2.2 स्टोरेज मिलता है। OTG सपोर्ट यहाँ पे करता है और हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट आप लोगों को यहाँ पे दिया जाता है और उसके साथ आप लोगों को अगर आप 8GB वेरिएंट को लोगे, एक ही वेरिएंट है, उसके साथ आप लोगों को 8GB एक्स्ट्रा रैम आप ऑनलाइन वर्चुअली आप एक्सपेंड कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप मेमोरी कार्ड एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पे अप टू 1TB आप लोग मेमोरी कार्ड को एक्सपेंशन आप लोग लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले बहुत ही सुंदर है, आप कुछ भी देख लो यहाँ पे अच्छा खासा आप लोगों को फील होगा, क्योंकि 6.72 इंच फुल HD प्लस LCD आप लोगों को LCD डिस्प्ले आप लोगों को मिली जाएगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आप लोगों को यहाँ पे मिलता है 91.4% और डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को पंडा ग्लास का प्रोटेक्शन आप लोगों को मिलता है, पंडा 1681 ग्लास का प्रोटेक्शन आप लोगों को फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ बहुत सारा और भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम रिफ्रेश रेट आप लोगों को मिल जाएगा अपटू 120Hz, 240Hz तक आप लोगों को टच सैम्पलिंग रेट आप लोगों को मिलेगा, 391 PPI पिक्सल डेंसिटी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, 680 अपटू 680 निट्स तक आप लोगों को पीक ब्राइटनेस यहाँ पे फील होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पंच होल डिस्प्ले तो है ही है, तो अगर आप कुछ भी देख लोगे यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले लेके कोई शिकायत यहाँ पे आने वाला नहीं है। तो अगर आप पूछोगे सभी फोन में AMOLED आ रहा है तो यहाँ पे ऐसा क्यों है LCD मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, LCD भी बहुत हाई क्वालिटी का यहाँ पे है। नेक्स्ट अगर कैमरे की बात करें तो पीछे की तरफ आप लोगों को अगर आप सही से देखोगे तो यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ आप लोगों को 3 कैमरा मिल जाएगा, 64MP मेगापिक्सल का, उसके बाद 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा और उसके बाद में 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रोस्कोप, विच इज यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो यहाँ पे माइक्रोस्कोप जो कैमरा है यहाँ पे आप लोग अप टू 40x आप लोग जूम कर सकते हो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। एंड सामने की तरफ आप लोगों को मिल जाएगा एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो मेन कैमरा है यहाँ पे आप लोगों के लिए एक 108 मेगापिक्सल वाला एक मोड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, फिर भी यहाँ पे एक 108 मेगापिक्सल का मोड आप लोगों को यहाँ पे दिया जाता है। तो रेयर मोड्स की बात करते हैं, यहाँ पर टाइम लैप्स वगैरह जितना सारा होता है, स्लो मोशन, एक्स्ट्रा HD, माइक्रो मोड वगैरह, डुअल वीडियो मोड, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। और यूजिंग योर रेयर कैमरे को यूज़ करके आप लोग मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकती है और स्लो मोशन वीडियो 720 पिक्सल तक आप लोग कर सकते हैं, अप टू मैक्सिमम 120 FPS तक। तो नेक्स्ट अगर फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोग मैक्सिमम आप लोग 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कनेक्टिविटी को थोड़ा देख लेते हैं, तो कनेक्टिविटी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 5G का 9 बैंड्स यहाँ पे सपोर्ट करता है, यहाँ पे डुअल 5G सिम सपोर्ट करते हैं, USB टाइप सी का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.1 है, वाईफाई डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगा, उसके साथ आप लोग वाईफाई 5 मिलेगा, 3.5mm ऑडियो जैक यहाँ पे आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। तो बहुत ही ठीक ठाक यहाँ पे प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए
यहाँ पे स्नैपड्रैगन 695 यहाँ पे प्रोसेसर है जिसका स्पीड आप लोगों को मिल जाएगा वही नॉर्मली 2.2 गीगाहर्ट्ज मैक्सिमम एंड एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिल जाएगा। सो स्नैपड्रैगन 695 एंड ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है तो डे टू डे यूज में कोई भी आप लोगों को लैग नहीं फील होगा। सो अगर आप गेमिंग भी करोगे तो मीडियम सेटिंग्स पे आप लोग अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हो। तो हाई क्वालिटी का हाई सेटिंग में हो सकता है थोड़ा सा कुछ अनकंफर्टेबल फील हो तो मीडियम सेटिंग्स में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आराम से आप लोग खेल सकते हो। तो नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 5000 मिली एम्पीयर का बैटरी है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे 67 वाट का यहाँ पे चार्जर सपोर्ट है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग और एक चीज़ है क्योंकि बॉक्स के अंदर आप लोगों को 80 वाट चार्जर आप लोगों को मिलता है पर यहाँ पे आप लोग फोन आपका जो फोन मिलेगा वहाँ पे आप लोगों को 67 वाट का मैक्सिमम सपोर्ट है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंपनी क्लेम यहाँ पे 44 मिनट में फुल चार्ज 0 to 100% चार्ज हो जाता है यहाँ पे और यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल आप लोगों को इसके साथ दिया जाता है। मल्टीमीडिया सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पे वाइड बाई एल1 का सपोर्ट है। तो इससे क्या होगा, आप नेटफ्लिक्स वगैरह ऑनलाइन कंटेंट आप आराम से आप एक्सेस कर सकते हो। आई होप आज का सारा चीज़ आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्योंकि अराउंड अगर आप डील में आप 20 से 21 हज़ार में आप इसको खरीदोगे तो ठीक ठाक, क्योंकि कैमरा का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, प्रोसेसर सही से चलता है, डिस्प्ले भी ठीक ठाक है, तो सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको माइक्रो फोटोग्राफी का आप शौक रखते हो तो छोटा सा चीज़ को इनलार्ज करके अप टू 40x जूम करके आप लोग आराम से फोटो खींच सकते हो। सो ठीक ठाक इस प्राइस रेंज में जितना मिलना चाहिए आप लोगों को मिल ही जाता है। सो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो, आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव था, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।